फटाफट कर दे। गुड इवनिंग दोस्तों, कल लाइट चली गई थी इसलिए आपकी जो क्लास थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। आज अपन फिर से स्टार्ट करेंगे। जो कंप्यूटर का जो शुरुआती दौर था, या यूं कह दें कि कंप्यूटर का किस तरह से विकास हुआ, कौन कौन से चरणों से इसे गुजरना पड़ा कि आज ये सूचना क्रांति में एक सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। तो शुरुआत में कौन कौन से आविष्कार हुए? कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर बना, कैलकुलेटर से पहले कौन कौन से गणना यंत्र बने, तो उन सब की अपन विस्तार चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर का इतिहास आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का इतिहास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का जो इतिहास है दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास की अपन बात करें तो इसका इतिहास लगभग 3 से 4 हजार वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का जो इतिहास है ये लगभग 3 से 4 हजार वर्ष पुराना है। इतिहास के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अबेकस की। यह सबसे सबसे पुराना गणना यंत्र है अबेकस। अबेकस जो दोस्तों सबसे पुराना गणना यंत्र है, अबेकस का आविष्कार चीन में माना जाता है कि सबसे पहले जो चीनी लोग हैं उन लोगों ने इस यंत्र का आविष्कार किया था। और अबेकस का उपयोग जो होता था वो केवल गिनती के लिए होता था। अबेकस एक लकड़ी में बने हुए फ्रेम या लकड़ी के फ्रेम के आकार का एक यंत्र हुआ करता था, जिसमें समांतर वायर्स यानी तार होते थे, उसमें छोटी छोटी बीड्स यानी मोती या मणि ये पिरोए जाते थे जो काउंटी के काम में आता था। तो अपन अबेकस की बात कर रहे हैं। इस तरह का एक यंत्र हुआ करता था, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता था, उस लकड़ी के फ्रेम में इस तरह के समांतर वायर्स होते थे। इन वायर्स के अंदर मोती या मोती जैसे आप कह सकते हो कि इस तरह के मनिये पिरोए जाते थे, मन के जिसको आप कह सकते हो, इस तरह के बीड्स होते थे उसमें। ये जो बीड्स होते थे ये बीड्स काउंटिंग के काम में आते थे, एक बीड, दो बीड, तीन बीड, चार बीड, पांच या पांच से अधिक बीड। आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को गिनती सिखाने के लिए, गिनती शुरुआत में गिनती सिखाने के लिए, इनको गिनती सिखाने के लिए स्कूल में यूज़ करते हैं। स्कूल में एक खिलौने के रूप में काम में लेते हैं। खिलौना एक गिनती सिखाने का खिलौना हो गया। तो अबेकस, इस अबेकस का जो आविष्कार माना जाता है वो चीन में हुआ। इसका आविष्कार चीन में हुआ लगभग 2000 से 1000 BC के मध्य इस समय इसका आविष्कार हुआ था। अब ये जो अबेकस जो सिस्टम था, अबेकस के अंदर एक लकड़ी का फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम में समांतर जो तार होते थे उन तारों में बीड से मोती मोती या मन के जिसको हम कहते हैं बीड्स पिरोए जाते थे, बीड्स पिरोए होते थे। ये जो बीड्स पिरोए होते थे उन बीड्स को ही हम गिनती के काम में लिया करते थे। ये इसका जो आविष्कार हमें याद रखना है कि कौन से देश के लोगों ने इसका आविष्कार किया था, तो दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था चीन में। अबेकस एक गणना यंत्र है, ये पूरी दुनिया का प्रथम गणना यंत्र है। पहली कैलकुलेटिंग मशीन है, ये पूरी दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग मशीन है। लेकिन जापानी लोग इसको सारोबान कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं सारोबान कहते हैं। जापानी जो लोग हैं इसको सारोबान कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मधु मधुबाला, कमला, मीना, पायलट, गुजर, रमेश, सारण, हनुमान, कमला, लक्ष्मण,
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल पोस्टर ही दिख रहा है सर आपका, बिल्कुल पोस्टर दिखना चाहिए। चलिए देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभ्यकस के काफी समय बाद इस तरह का पूरी दुनिया में कोई यंत्र नहीं आया जो गिनती कर सके। लेकिन आपने एक सभ्यता का नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे, ये भी जो गणना यंत्र को काम में लेते थे, उस गणना यंत्र का नाम था गिनतारा। ये गिनतारा भी दोस्तों अभ्यकस की तरह ही एक प्रकार का गणना करने का यंत्र हुआ करता था। काफी समय बाद, हम आज से 500-600 वर्ष पीछे चले तो ये बात है लगभग 1617 ईस्वी के अंदर एक नई मशीन का आविष्कार किया गया। ये जो मशीन थी उसका नाम था नेपियर बोन्स। देखो दोस्तों, ये जो नेपियर बोन्स मशीन है, ये नेपियर बोन्स का जो आविष्कार किया था, ये किया था एक स्कॉटलैंड का गणितज्ञ था, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ के जॉन नेपियर ने एक यंत्र बनाया। अब ये जो जॉन नेपियर ने जो यंत्र बनाया उसका नाम दिया गया नेपियर बोन्स। और ये नेपियर बोन्स है वो जोड़ के साथ साथ, घटाव के साथ साथ, दशमलव की संख्याओं का गुणा भी कर सकता था। ये हम कह सकते हैं जोड़, ये जो नेपियर बोन्स था दोस्तों, ये जो आपका उपकरण था, ये जोड़ घटाव वह दशमलव की संख्याओं का गुणा करने में सक्षम था। जॉन नेपियर ने जो आपका एक मशीन बनाई उसका नाम नेपियर बोन्स। ये 1617 के आसपास इसने बनाई, नेपियर बोन्स का आविष्कार किया, दशमलव की संख्याओं का भी गुणा कर सकती थी। ये स्कॉटलैंड का ये मैथमेटिशियन था, तो इसको कहते हैं पूरे दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी ये। ये भी हम कह सकते हैं कि अभ्यकस के बाद ईसवी या फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद पहली यह एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। यह एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। यानी अभ्यकस तो केवल काउंटिंग के काम आता था, 1, 2, 3, 4 इस तरह की, लेकिन कोई गणना यानी जोड़ घटाव या दशमलव की संख्याओं को गुणा करने में सबसे पहले सफलता हासिल की तो नेपियर बोन्स के द्वारा, स्कॉटलैंड के जो मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर ने, उसने हासिल की। इसके लगभग 20-30 वर्ष बाद, लगभग 1642 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया। पास्कलाइन बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये। पास्कलाइन जो था दोस्तों, ये पूरे विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसके द्वारा हम जोड़ घटाव दोनों को कर सकते थे। ये विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने का जो श्रेय है वो श्रेय ब्लेज पास्कल को दिया जाता है दोस्तों। और ब्लेज पास्कल थे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल को दिया जाता है। ये जो ब्लेज पास्कल थे, इन्होंने सबसे पहले एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, ये उसका नाम दिया पास्कलाइन। पास्कलाइन का जो दूसरा नाम था दोस्तों, इसका एडिंग मशीन।
दूसरा नाम एडिंग मशीन। एडिंग मशीन इसलिए नाम दिया गया इसका क्योंकि ये जो एडिंग मशीन है, ये एडिंग मशीन संख्याओं का जोड़ और घटाव, जोड़ व घटाव कर सकती थी, जोड़ या घटाव कर सकती थी। ये जो पास्क लाइन था, जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी की मैथमेटिशियन, जिसने विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाने में सफलता हासिल की। ये पहला यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, जिसको हम कहते हैं प्रथम, फर्स्ट यांत्रिकी, यानी मैकेनिकल यांत्रिकी अंकीय गणना यंत्र, अंकीय गणना यंत्र, इसका नाम दिया गया फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब पास्क लाइन में थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, लगभग 1694 ईस्वी में पास्क लाइन को और इंप्रूव करके जो दोस्तों नया डिवाइस बनाया गया या नया कैलकुलेटर बनाया गया, जो पास्क लाइन को और विकसित करके बनाया गया, वो बनाया गया था एक जर्मन गणितज्ञ लेबनीज के द्वारा, जो जर्मन का था, जर्मन गणितज्ञ लेबनीज ने 1694 ईस्वी में पास्क लाइन को और विकसित कर दिया, और विकसित करके एक मशीन बनाई। जो इन्होंने मशीन बनाई दोस्तों, उस मशीन का नाम दिया इन्होंने लेबनीज चक्कर। ये जो लेबनीज चक्कर जो मशीन थी, ये जोड़ के साथ घटाव, घटाव के साथ गुणा और इसी के साथ भाग, ये सभी कर सकती थी, आदि गणनाएं कर सकती थी, ये आदि गणना करने में सक्षम थी। जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चारों कैलकुलेशन कर सकता था लेबनीज चक्कर। इसीलिए इसका जो विकसित पास्क लाइन का विकसित करके जो बनाया गया, वो लेबनीज ने बनाया, जो जर्मन मैथमेटिशियन था। अब इस जर्मन मैथमेटिशियंस के बाद कई बड़े बड़े चेंजेज हुए इसमें और काफी बदलाव आने लगा। काफी समय बाद लगभग 1801 के आसपास फिर से कुछ नए चेंजेज हुए। तो इसके बाद जो नए चेंजेज हुए दोस्तों, वो एक 1801 ईस्वी के आसपास, 1801 ईस्वी में डिफरेंस इंजन बनाया गया। ये जो डिफरेंस इंजन है, ये एक अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बाबेज ने जो अंग्रेज गणितज्ञ था, उसने चार्ल्स बाबेज ने एक डिफरेंस इंजन बनाया। और ये दोस्तों सॉरी डिफरेंस इंजन बनाया, ये 1822 में बनकर तैयार हुआ, 1822 ईस्वी में तैयार किया। ये जो 1822 ईस्वी में इन्होंने डिफरेंस इंजन तैयार किया, ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। चार्ल्स बाबेज ने 1822 में जो डिफरेंस इंजन बनाया, इसमें ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। ये इनका जो डिफरेंस इंजन था, ये असफल हो गया। ये डिफरेंस इंजन इनका असफल हो गया। तो चार्ल्स बाबेज ये एक अंग्रेज गणितज्ञ थे, इन्होंने हार नहीं मानी और चार्ल्स बाबेज ने इस डिफरेंस इंजन को इंप्रूव करने की सोच ली। और चार्ल्स बाबेज ने पुनः 1833 ईस्वी में इस डिफरेंस इंजन का जो एडवांस वर्जन है, डिफरेंस इंजन का विकसित रूप है, एनालिटिकल इंजन बनाया। ये जो एनालिटिकल इंजन बनाया दोस्तों,
ये आपका डिफरेंस इंजन है, इंजन डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। ये एनालिटिकल इंजन जो बनाया गया वो डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था, का विकसित रूप था, डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। एनालिटिकल इंजन में इन्होंने एक प्रोसेस यूनिट बनाई, प्रोसेस यूनिट लगाई। इसमें प्रोसेस यूनिट का काम होता था किसी भी कार्य को करना, ये प्रोसेस यूनिट थी, ये दिए गए इनपुट के अनुसार काम करती थी। और प्रोसेस यूनिट को कार्य करने के लिए इसकी कोडिंग बहुत जरूरी थी। तो देखिए दोस्तों, पहली बार में ये जो चार्ल्स बाबेज था, चार्ल्स बाबेज असफल हो गए, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। इस एनालिटिकल इंजन को इन्होंने बना डाला 1833 में। जब ये एनालिटिकल इंजन बनाने में सफल हो गए तो उसमें एक प्रोसेस यूनिट लगाई, उस प्रोसेस यूनिट की कोडिंग होती थी, कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग होती थी। अब प्रोग्रामिंग के लिए इन्होंने सहयोग लिया। इसी समय एक महिला थी, उसका नाम था एडा अगस्ता ने इस एनालिटिकल इंजन के लिए कोडिंग, दोस्तों इन्होंने कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग की थी, यानी एडा अगस्ता ने डिफरेंस इंजन के लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए कोडिंग की यानी प्रोग्रामिंग की, जिसके आधार पर जो चार्ल्स बाबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया, वो इंजन है, वो निर्देशों के अनुसार काम करता था। ये जो इंजन है वो दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता था। ये पहली ऐसी मशीन थी जिसमें प्रोग्रामिंग की गई। इसमें प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया दोस्तों, ये पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कहलाया। तो ये पूरे विश्व का प्रथम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कहलाया। अब जो पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कहलाया आपका एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बाबेज ने बनाया, लेकिन ये जो महिला थी एडा अगस्ता, इसको भी बाद में सम्मान देने के लिए इसके नाम पर एक एडा लैंग्वेज भी विकसित की गई, जो कंप्यूटर की एक भाषा है एडा। और एडा अगस्ता को प्रथम महिला, इसको विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर का दर्जा दिया गया, कि पहली बार यदि किसी ने महिला ने प्रोग्रामिंग की तो वो एडा अगस्ता थी। इस तरह से ये एनालिटिकल इंजन बनकर के तैयार हो गया। लेकिन इससे थोड़े से पहले हम बात करें कि जब ये एनालिटिकल इंजन बनकर तैयार हुआ तो ये इतना पॉपुलर हो गया प्रोग्रामिंग की वजह से और इसमें एक प्रोसेस यूनिट होने की वजह से, कि इसको जो नाम दिया गया वो विश्व का प्रथम कंप्यूटर। और साथ ही साथ जो चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का पिता या जनक कहा गया। इन्होंने जो इस मशीन का बाद में कंप्यूटर के नाम से पुकारा गया, ये जो कंप्यूटर शब्द है दोस्तों ये शब्द चार्ल्स बाबेज ने मूल रूप से लेटिन यानी ग्रीक भाषा का मूल शब्द था ये। अब ग्रीक भाषा से ये इंग्लिश में आ गया
इंग्लिश भाषा में आ गया और इसका अर्थ होता है गणना करना या संगणक, संगणक या गणना करने वाला यंत्र, गणना करने वाला यंत्र, इसको कहते हैं गणना करने वाला यंत्र। चार्ल्स बैबेज से पहले एक जोसेफ जेकार्ड, जिसको आप कह सकते हो कि एक बुनकर था जोसेफ जेकार्ड, उसने भी एक मशीन बनाई थी जिसको कहते हैं जेकार्ड लूमिंग मशीन। जेकार्ड लूमिंग मशीन चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन से पहले बना दी गई थी। ये जो लूमिंग मशीन बनाई थी दोस्तों, लगभग 1801 ईस्वी में बनाई थी, और 1801 ईस्वी में जो मशीन बनाई उसका नाम था जेकार्ड लूमिंग मशीन, जेकार्ड लूमिंग, लूमिंग मशीन। अब इस मशीन का यूज क्या होता था कि ये जो जोसेफ जेकार्ड था, जोसेफ जेकार्ड, जोसेफ जेकार्ड एक बुनकर था। आप बुनकर जानते हो, कपड़े का जो सूती वस्त्र इस तरह की बुनाई करते हैं, बुनकर था। इस बुनकर को जब ये कपड़े के लिए लूमिंग करता था या पैटर्न बनाता था तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो ये फ्रांसीसी बुनकर ने एक पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए एक कार्डबोर्ड बनाया। ये फ्रांसीसी बुनकर जो था, फ्रांसीसी बुनकर ने, फ्रांसीसी बुनकर, बुनकर ने जो कपड़ा था उस कपड़े के पैटर्न को, पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक कार्डबोर्ड बनाया था, कार्डबोर्ड बनाया था, कार्डबोर्ड बना दिया था, कार्डबोर्ड बनाया। अब ये कार्डबोर्ड था वो बाद के पंच कार्ड जैसा ही था, पंच कार्ड जैसा था। जिस मशीन को इसने बनाया उसको कहते हैं जेकार्ड लूमिंग मशीन। जब कपड़े के पैटर्न का लूम होता है तो लूम को आप यहां ऑटोमेटिक कंट्रोल करना इसने इस मशीन के द्वारा शुरू कर दिया। ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया लूम को ताकि इसकी कपड़ों की बुनाई हो वो फास्ट हो सके। अब जैसे ही चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन पूरी दुनिया में छा गया, चार्ल्स बैबेज का नाम हो गया, धीरे धीरे कंप्यूटर के फील्ड में अनेक नई मशीनें भी बनना शुरू हो गई। एडा अगस्ता को पहली महिला, एडा अगस्ता को पहली महिला प्रोग्रामर बनने का भी श्रेय मिल गया, बिल्कुल फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बलदेव कमला, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि लगभग लगभग 1890 ईस्वी में अमेरिका में, 1890 ईस्वी में अमेरिका में डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने, डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने एक मशीन बनाई, उसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। तो ये जो मशीन थी दोस्तों, इसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन, बनाई हरमन होलेरिथ ने, टेबुलेटिंग मशीन। ये जो टेबुलेटिंग मशीन है वो 1890 ईस्वी में अमेरिका, अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने, होलेरिथ ने बनाई। अब जो हरमन होलेरिथ ने जो टेबुलेटिंग मशीन बनाई, इस टेबुलेटिंग मशीन के साथ इसने पंच कार्ड, पंच कार्ड, पंच कार्ड का आविष्कार व यूज किया, पंच कार्ड का इस मशीन में उसने यूज किया, आविष्कार किया, पंच कार्ड का आविष्कार और यूज किया। तो आगे जाकर के इसकी जो ये टेबुलेटिंग मशीन थी, ये जो टेबुलेटिंग मशीन थी, टीबी जो मशीन थी, इस मशीन को अमेरिका में, यूएसए में, यूएसए में 1890 में ही, 90 में ही जनगणना,
जनगणना करने के लिए, जनगणना करने के लिए काम में लिया गया, काम में लिया गया। अब जब जनगणना करने के लिए काम में लिया गया तो दोस्तों जो जनगणना 10 वर्षों में हुआ करती थी, इस टेबुलेटिंग मशीन की मदद लेने की वजह से ये जनगणना 3 वर्षों में अमेरिका में पूरी कर ली गई। इससे हरमन होलेरिथ है वो और ज़्यादा उत्साहित हुआ और ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस हुआ। हरमन होलेरिथ ने आगे जाकर एक 1896 में एक कंपनी बनाई, कंपनी की स्थापना की, 1896 में एक कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी में पंच कार्ड का निर्माण शुरू किया, पंच कार्ड का निर्माण शुरू किया। अब पंच कार्ड का निर्माण इस कंपनी ने किया, इसलिए होलेरिथ को पंच कार्ड का पिता कहा जाता है, होलेरिथ को पंच कार्ड का पिता, पंच कार्ड का पिता होलेरिथ को कहा जाता है दोस्तों, पंच कार्ड का पिता, फादर ऑफ पंच कार्ड। तो सबसे पहले जनगणना में यदि कोई मशीन काम में ली गई तो वो मशीन थी टेबुलेटिंग मशीन, और टेबुलेटिंग मशीन का जो आविष्कार करते थे वो अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ थे। पंच कार्ड का इसमें उपयोग किया, पंच कार्ड बनाने की एक कंपनी की भी स्थापना की उन्होंने। इसी वजह से हरमन होलेरिथ जो थे उनको पंच कार्ड का पिता कहा गया। और ये जो आगे जाकर यही कंपनी लगभग 1924 ईस्वी में, यही कंपनी 1924 ईस्वी में आईबीएम के नाम से जानी गई। तो जल्दी से बताओ आप आईबीएम का फुल फॉर्म बताओ, आईबीएम का संस्थापक कौन था और आईबीएम का फुल फॉर्म बताइए फटाफट, जल्दी से रिप्लाई करें आप, आईबीएम का संस्थापक कौन था और आईबीएम का पूरा नाम फटाफट बताइए, आईबीएम का फुल फॉर्म और इसका पूरा नाम जल्दी से बताएं। आईबीएम का जो पूरा नाम दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये सबसे अधिक पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी है, सबसे अधिक पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी है। प्रारंभ में हरमन होलेरिथ ने इसको शुरू किया था, लेकिन 1924 में इसका नाम बदलकर आईबीएम कर दिया, 1911 में भी इसका नाम चेंज किया था, लेकिन फाइनली आईबीएम 1924 में इस कंपनी का नाम रख दिया गया। अब समय निकलता गया, 1930 में फिर एक नया मशीन बनाई गई और उस मशीन का नाम रखा गया डिफरेंशियल एनालाइजर। ये जो डिफरेंशियल एनालाइजर है, वेन्यूअर बुश ने इसको बनाया था। वेन्यूअर बुश ने जो डिफरेंशियल एनालाइजर बनाया था, ये एनालाइजर आज के एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता था। यानी आज के एनालॉग कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसी डिफरेंशियल एनालाइजर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था। 1930 के बाद काफ़ी और बदलाव हुए, नई नई मशीनें बनी, कंप्यूटर के विकास की ओर दुनिया अग्रसर हुई और लगभग 1939 में बहुत बड़ा चेंज हुआ पहली बार। और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि Mark I जो कंप्यूटर था वो कौन सी यूनिवर्सिटी में बना और इसको किन्होंने बनाया। Mark I बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1939 ईस्वी में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, देखिए ये एक यूनिवर्सिटी है जैसे अपने यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है दोस्तों, हार्वर्ड विश्वविद्यालय कह दीजिए आप, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने, के छात्रों और टीचर्स ने, छात्रों ने एक आइडिया, एक विचार, एक आइडिया व कॉन्सेप्ट दिया। अब उस आइडिया और उस उनके कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कई कंपनियों को आमंत्रित किया कि हमारे छात्रों का एक आइडिया है और इस आइडिया पर आप सभी लोग काम करें, इस आइडिया पर एक मशीन बनाएं, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फाइनली एक कंपनी तैयार हुई, उसका नाम IBM जो अभी बनी चुकी थी, IBM प्लस हार्वर्ड ने मिलकर, IBM के साथ दोस्तों हार्वर्ड के जो कुछ प्रोफेसर्स थे वो सारे मिलकर, IBM और हार्वर्ड के शिक्षकों ने मिलकर IBM और हार्वर्ड के शिक्षकों ने मिलकर विश्व का प्रथम, इन्होंने सबने मिलकर विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। ये जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया वो लगभग 1944 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ। देखो इसका प्लान, इसका आइडिया 1939 में ही आ गया था, उसमें दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरे विश्व युद्ध के समय ही जो ये इनका जो बनकर के तैयार हुआ, ये 1944 में बनकर के तैयार हो गया और 1944 में पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बना लिया गया जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IBM दोनों का संयुक्त कार्य से बनाया गया। बाद में इसको बेचने के लिए भी बाजार में उतारा गया। तो 1944 ईस्वी में ये जो कंप्यूटर बनाया इन्होंने, IBM और हार्वर्ड्स ने, इसका नाम दिया गया मार्क फर्स्ट बनाया। ये मार्क फर्स्ट है, वो विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाने का श्रेय जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IBM के चार इंजीनियर्स को। ये बाद में बहुत आगे जाकर प्रसिद्ध हुआ, प्रथम कंप्यूटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हो, लेटेस्ट कंप्यूटर। बिल्कुल सही है, जापान आजकल सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में। चलिए देखिए आगे जाकर के, अब कंप्यूटर का दौर शुरू हो चुका है। देखो पहला कैलकुलेटर आपको बताया था ब्लेज पास्कल ने बनाया, जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था। उसके बाद पहले कंप्यूटर की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, वो मार्क वन था। अब इसमें और चेंज होते गए और एक नया कंप्यूटर बना जिसका नाम था ENIAC। देखो दोस्तों ENIAC, तो इसको कहते हैं ENIAC कंप्यूटर बनाया गया। ENIAC कंप्यूटर जो बनाया गया दोस्तों, ये भी कंप्यूटर बनाया गया आपका लगभग 1941 से 46 में बनकर के तैयार हो गया। ENIAC है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसमें प्रोग्रामिंग थी वो स्थाई थी। ENIAC का पूरा नाम पूछ लिया जाता, देखो पहले लाइट से चलते थे तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है और एन का अर्थ हो गया न्यूमेरिकल और यहां से आई का अर्थ हो गया इंटीग्रेटर यानी संयोजक और AC को परमानेंट, याद रखो ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
देखो जहां भी एसी लिखाएगा ना तो उसका नाम याद रखना ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एनईएक का जो पूरा नाम था वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ये जो था ये विकसित पहला ऐसा कंप्यूटर था जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये प्रथम कंप्यूटर था जो संपूर्ण यानी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब केवल इलेक्ट्रॉनिक, इससे पहले मार्ग बनाया गया वो इलेक्ट्रॉनिक के साथ यांत्रिक भी था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल दोनों तरह के, लेकिन यहां ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और इसमें प्रोग्रामिंग स्थाई रूप से, इसमें जो प्रोग्राम थे, इसमें प्रोग्राम को स्थाई रूप से समाहित किया गया, तो हमें इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार कि इसमें प्रोग्राम थे वो स्थाई रूप से समाहित किए गए, इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये तैयार हुआ दोस्तों 1941 से लेकर 1946 ईस्वी तक, यानी कई वर्ष काम चला। बाद में इस कंप्यूटर को बेचने के लिए भी उतारा गया बाजार में, और इसमें वैक्यूम ट्यूब, यह पहला कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। और इसका जो आकार था, इस एनीएक का जो आकार था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि एक कमरे के आकार का था, कमरे के बराबर का आकार था, बड़ा कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर हम इसको मानते हैं। तो एनीएक के बाद कुछ और भी नई नई रिसर्च हुई इस क्षेत्र में और कंप्यूटर का और विकास कर दिया गया। ये जो एनीएक कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों, ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको कहां बनाया गया था, में बनाया गया। अब यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। काफी चेंजेज होते गए धीरे धीरे, जो नए कंप्यूटर बनने शुरू हुए। उससे पहले एक और मैथमेटिशियन था, उसका नाम था जॉन वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन ने पहली बार एक इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया, एक आइडिया दिया, कि उसी के आइडिया के आधार पर आज के सारे आधुनिक कंप्यूटर कार्य करते हैं। जॉन वॉन न्यूमन ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, उसका जो नाम दिया गया स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो जॉन वॉन न्यूमन ने लगभग 1945 ईस्वी में एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने 1945 ईस्वी में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया। अब ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया, इसी कॉन्सेप्ट पर वर्तमान के सभी कंप्यूटर कार्य करते हैं या बनते हैं। यह जो कॉन्सेप्ट था जॉन वॉन न्यूमन का, जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था, एसपीसी जिसको कहते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट था कि कोई भी आप कंप्यूटर बनाओगे तो सबसे पहले उसमें इनपुट देना होगा। जो आपने इनपुट दे दिया उस इनपुट पर प्रोसेस होगी,
और जैसे ही प्रोसेस हो गया तो फिर आउटपुट आउटपुट आपको मिलेगा। ये सारी बात सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमन ने बताई कि आप कोई भी काम करोगे मशीन पर तो इनपुट देना होगा, प्रोसेस होगी और आउटपुट मिलेगा। और साथ में ये भी बताया कि यहाँ मेमोरी का भी यूज होगा। तो कंप्यूटर की मेमोरी में निर्देश और डाटा को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी में डाटा वे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। यह विकास जॉन वॉन न्यूमन ने किया। इसीलिए जॉन वॉन न्यूमन ने कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी संरचना का विकास किया। कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेसिक स्ट्रक्चर विकसित की इसने। और जो इसने अपना कॉन्सेप्ट बताया, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बताया, इसी के आधार पर आज के आधुनिक कंप्यूटर बनाए जाते हैं। लेकिन जॉन वॉन न्यूमन ने जो कॉन्सेप्ट बताया स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, तो एसपीसी आप कहोगे, इस स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों, उसका नाम था आपका एडसेक। पर आधारित जो पहला कंप्यूटर बनाया था उस कंप्यूटर का नाम जो दिया गया वो दिया गया था एडसेक। तो देखो जरा, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, एडसेक डिले, डी का मतलब आपका डिले हो गया, डी को आप क्या कहोगे दोस्तों, डिले। और एस को हम कहते हैं स्टोरेज, और यहां एसी का आपको पता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रथम कंप्यूटर जो बनाया गया था वो एडसेक बनाया। अब ये एडसेक जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये जॉन वॉन न्यूमन के स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित पहला कंप्यूटर बनाया गया था। अब इस कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही कहते हैं। धीरे धीरे समय चेंज हुआ और एक और कंप्यूटर बना, यूनिएक, जिसका नाम था यूनिएक वन। ये यूनिएक वन 1953 ईस्वी में बना दिया गया। यूनिएक वन दोस्तों जो बनाया गया था 1953 ईस्वी में बनाया गया। यूनिएक वन जो बनाया था वो यूनिएक वन 1953 ईस्वी में बनाया गया, और इसको व्यापारिक कार्यों के लिए यानी इसको बाजार में बेचने के लिए भी उतारा गया। बिल्कुल आप सभी 1941 में जैक, हाँ बिल्कुल, इसमें दो साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हो अकेला नहीं था, या एक तो जॉन एकर्ट था और दूसरा जॉन मेकली था। एनिएक बनाने वाला दोस्तों कौन था, यहां से अपन बात करें ऊपर तो जॉन एकर्ट और दूसरा था जॉन मेकली या मोकली कह दो, जॉन एकर्ट और जॉन मेकली। अब ये जो यूनिएक भी बनाया तो ये भी इन दोनों ने ही बनाया था, जॉन मोकली और जॉन एकर्ट ने मिलकर बनाया। 1953 में इस कंप्यूटर को इन्होंने बना दिया था। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। जॉन एकर्ट व जॉन मेकले यहां जो बनाया गया था वो जॉन एकर्ट व जॉन मेकले या मोकले ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बनाया।
देखो जो पहले के कंप्यूटर थे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, दोनों गुण आ गए इसमें। पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया जॉन एकर्ट और जॉन मैकले ने, और जॉन एकर्ट और जॉन मैकले ने जो डिजिटल कंप्यूटर बनाया, इन दोनों ने ही कंप्यूटर के निर्माण की शुरुआत की थी। सबसे पहला कंप्यूटर भी इन्होंने ही बनाया था। ये प्रथम व्यावसायिक साइक कंप्यूटर था। इसको बाजार में व्यापारियों को बेचा गया, जो उसमें व्यापारी कोई खरीदना चाहते थे उन व्यापारियों को बेचा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं, जो ये यूनिवेक जो कंप्यूटर है या यूनिवेक कंप्यूटर है दोस्तों, यूनिवेक नाम से ही पता चल रहा है। यहां से आप कह सकते हो यूनि मतलब यूनिवर्सल और एसी का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये लीजिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस तरह से धीरे धीरे हम कंप्यूटर के विकास की बात करें तो एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। सबसे पहले अबेकस बनाया गया, आज से 3-4 हजार साल पहले। अबेकस जो था वो एक तरह का लकड़ी के फ्रेम में छोटे छोटे मनके या जो आपके बीड्स पिरोई जाती थी काउंटिंग करने के लिए। उसके बाद 1617 ईस्वी में पहली बार जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स नाम के एक यंत्र एक मशीन बनाई जो दशमलव तक की संख्याओं को गुणा कर सकती थी। फिर 1642 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक था ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया। पास्कलाइन केवल जोड़ और घटाव कर सकता था। 1694 में पास्कलाइन का इम्प्रूव रूप बना दिया गया, लेबनीज ने बनाया, जिसको लेबनीज चक्कर कहते हैं। और उस लेबनीज चक्कर जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा और आपका भाग भी कर सकता था, चारों कैलकुलेशन कर सकता था। इस लेबनीज चक्कर के बाद समय निकलता गया, 1801 में जैकार्ड लूमिंग मशीन का निर्माण किया गया और एक बुनकर था उसका नाम था जोसेफ जैकार्ड। उसने अपने बुनकर या अपने कपड़े के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए उस मशीन का निर्माण किया, जैकार्ड लूमिंग मशीन। और उसमें पंच कार्ड जैसा एक कार्डबोर्ड यूज किया गया और वो अपने पैटर्न को कंट्रोल करने में सफल भी हुआ। ऑटोमेटिक पैटर्न उसका कंट्रोल होने लग गया बुनाई का। फिर चार्ल्स बाबेज ने धमाका कर दिया और 1822 ईस्वी में सबसे पहले उसने डिफरेंस इंजन बनाया जिसके अंदर गियर्स और शाफ्ट भी हुआ करते थे और वो भाप से काम करता था, चलता था, मैकेनिकल इंजन था। लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाए बाबेज, निराश नहीं हुए। 1833 में यानी 10 वर्ष बाद फिर उन्होंने प्रयास किया और एक नई मशीन बनाई, उस मशीन का नाम रखा एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन के लिए जो प्रोग्रामिंग की वो पहली महिला थी एडा अगस्ता। एडा अगस्ता ने उसके लिए प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग करने के बाद ये इंजन इतना सफल हुआ कि हमने चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या पितामह मान लिया। उसी के आधार पर आज के कंप्यूटर है वो बनने लग गए। ये घटना थी 1833 की। फिर 1890 में अमेरिका के ही एक वैज्ञानिक डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन बना डाली। उस टेबुलेटिंग मशीन में क्या था दोस्तों, टेबल्स जो थी टेबल्स के अकॉर्डिंग वो कार्य करती थी और इसी का यूज अमेरिकी या सरकारी तंत्र ने जनगणना में यूज किया उसका, और उसका उन्हें लाभ भी मिला। जो 10 वर्षों में जनगणना चलती रहती थी 10 वर्षों तक, मात्र 3 वर्षों में कार्य पूरा हो गया। और हरमन होलेरिथ ने ही एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का प्रारंभिक काम था पंच कार्ड को बनाकर बेचना। आज उस कंपनी को IBM के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। अब 1800 के बाद 1930 में फिर एक एनालाइजर बना, डिफरेंशियल एनालाइजर जो बना उसका कॉन्सेप्ट आज के एनालॉग कंप्यूटर के जैसा ही है। धीरे धीरे समय चेंज हुआ, मार्क वन
पहला कंप्यूटर बना दिया गया जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, जो विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का वो कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको जो मूर्त रूप दिया, इसको बनाया वो IBM के 4 इंजीनियर्स और हार्वर्ड के कुछ टीचर्स ने मिलकर बनाया। 1944 में बनकर तैयार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना ने भी इसको काम में लिया कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए, और उसके बाद तो यूनिवेक वगैरह, हेडसेक, आपका ENAIC, कई सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम बनने शुरू हो गए, धीरे धीरे बाजार में बेचना भी शुरू कर दिया। तो हम अगली क्लास में कल बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। शुरुआत के कंप्यूटर आकार में कमरे से भी बड़े हुआ करते थे, तो उनकी जनरेशन की बात करने वाले हैं। बिल्कुल, हम एडा अगस्ता, पहली महिला प्रोग्रामर, बिल्कुल मैंने आप सभी को बताया है। मार्क वन का भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो कल की क्लास में कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ेंगे, कल ही कंप्लीट हो जाएंगी, परसों इसका टेस्ट होगा। तो पहले से ही तैयार रहें, कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ियों का टेस्ट होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और शाम को 8 बजे मैथ्स के कुछ 40-50 वे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं, वो टफ और अच्छे और लेवल वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको इजी वे में समझेंगे अपन सभी। तो 8 बजे फिर मिलेंगे, आप सभी को गुड इवनिंग।